जब गीता प्रेस को सम्मान मिलता है तो कांग्रेस पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है, ये बात जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आखिर क्यों गीता प्रेस के जरिए यहां पर योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को घेरते हैं, आखिर क्या कनेक्शन है गीता प्रेस और कांग्रेस का, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को साफ सुथरी छवि वाला सीएम कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहां पर जो है योगी आदित्यनाथ जी हाँ अब लड़ाई करने के लिए तैयार है, चुनौती देने के लिए तैयार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि टिट फॉर टैट की राजनीति कर रही है बीजेपी पार्टी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों आपको बता दें कि यहां पर जी हां योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को मिले सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को जो है गीता प्रेस को मिला सम्मान पच नहीं रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है आप खुद ही सुनिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कल का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ है अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जूरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है, ये विरासत की उसी परंपरा का सम्मान है और आज उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आलू तो सुना आपने इस वीडियो को। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने तीखे हमले किए। अब देखना ये पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी इन बयान को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया देती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।